नमस्कार भाई लोग, आज मैं बताने वाला हूँ वीवो मोबाइल में स्क्रीन कैप्चर फोटो कैसे खींचते हैं। आइए मैं चलता हूँ। ऐसे नीचे से आप स्क्रॉल करेंगे तो आपका ऐसा आ जाएगा। डाटा के बगल में जो है यस बनाया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका एक बार इसको क्लिक करेंगे तो आपका ऐसा आएगा। आपको अगर पूरा स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आपका पूरा स्क्रीनशॉट आ जाता है। आपको समझ जाओ कि हमको इसको क्लिक करते हैं। अब आपको हमको किस चीज़ का, हमको थोड़ा सा फ़ोटो चाहिए, इस चीज़ का फ़ोटो चाहिए, बिटमैप का। तो आप बिटमैप को स्क्रीनशॉट केवल ले सकते हैं। आप देखो सेव करेंगे, ये बिटमैप सेव हो गया। अब इसको मैं देख सकता हूँ, देखो पूरा स्क्रीनशॉट नहीं आया, अब मेरा आ गया केवल बिटमैप। मैं क्योंकि मैं बिटमैप का केवल स्क्रीनशॉट लिया। आपका ए हो गया। अब फिर इसी में एक ऑप्शन दिया स्क्रीन रिकॉर्ड, क्योंकि अभी मैं ऐप्स से रिकॉर्ड कर रहा है, आपको बताने में इससे रिकॉर्ड कर रहा है तो वो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि तुम इसी से रिकॉर्ड किए हो। इसके लिए मैं स्क्रीन रिकॉर्ड ऐप्स कर रहा, लेकिन अब मैं ऐप्स नहीं यूज करता है। इसलिए यूज किया था कि मैं इसमें वीवो मोबाइल में बताने के लिए कि मैं वो जाओ कि तो दूसरा मोबाइल से रिकॉर्ड करता है, तो नहीं तो इसमें तो दिखाई दे रहा है ना, इसकी रिकॉर्ड रहता है तो उसमें दिखाई भी नहीं देता है। आप चलिए इसकी रिकॉर्ड ऐसे दाबेंगे तो आपको इधर इसकी रिकॉर्ड चालू हो जाएगा। आप जो भी मोबाइल में करेंगे वो रिकॉर्ड होता रहेगा, आपका वीडियो बनता रहेगा, इसकी रिकॉर्ड वीडियो। अगर आपको इसको बंद करना है फिर से उस पर क्लिक करेंगे, आपका इसकी रिकॉर्ड बंद हो जाएगा। चलिए बंद हो गया इसकी रिकॉर्ड। आप इधर ऊपर से आ रहा है इसको देख भी सकते हैं मैं क्या रिकॉर्ड किया है। इसकी रिकॉर्ड चालू हो जाएगा, अभी जो भी मोबाइल में करेंगे वो रिकॉर्ड होता रहेगा, आपका वीडियो हो गया। ऐसे आप वीवो मोबाइल से रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि अभी स्क्रीनशॉट ऐसे भी ले सकते हैं। ये तो पूरा स्क्रीनशॉट फोटो लिया जाता है, लेकिन एक आप इस तरह से भी ले रहा, वॉल्यूम कम और लॉक वाला बटन दाब के भी स्क्रीनशॉट लिया जाता है। अब इसमें आ गया एक, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा।